अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अज 5 जून है। ये जून का महीना जदों शुरू होया वै हक का ते जुलम का महीना वै। इहदे विच हक का ते जुलम का दस्या गया कि हक ते कौन है ते जुलम ते कौन है। एडा जुलम है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। 5 जून तक एडा लंबा क्यों गया? पहले नंबर ते मैं सोचा कि 5 जून तक क्यों गया। 5 जून तक इस वास्ते गया कि उत्थे जनरल सबैग सिंह सीगा, बहादुर सी, सारे दे सारे ही उत्थे बहादुर सीगे। सो पहले आप वीडियो देखने थे, उस बाद आप रिएक्ट करने हैं। व्हाट्सएप आंदे आ, इंस्टाग्राम आंदे आ, फेसबुक आंदे आ। फेसबुक से मेरे पेज नूं लाइक करो, व्हाट्सएप से मैनूं मजीद इदां दी वीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। गो कन ला के सुनियो संगत, जरनैल सिंह भिंडरांवाला, क्या बात है। पांच जून 1984 का दिन चढ़ाया। ये दिन सिख कौम वास्ते काफ़ी नाभागा दिन सी। 4 जून सारा दिन सारी रात गोलाबारी होंदी रही। दरबार साहिब उपर हमला होने की गल पता लगद्या ही चार चुफेरियों पंजाब के पिंडां तो सिख संगतां जथियां दे रूप में दरबार साहिब रवाना हो गई। एयरफोर्स के हैलीकॉप्टर उन्होंने हर मूवमेंट उत्ते नज़र रख रहे सन। दरबार साहिब तो बाहर शहर के जिथे जिथे नाके लगे उत्थे भी गोली चली। जो जथे दरबार साहिब वल जा रहे सन उन्होंने तो बिना भी कई दूजी ते कई आम लोगों नूं मार दिता गया। बुंगियां उत्ते भी फौज दे वलों गोले दागे गए। कहा जाता है कि ये बुंगे दरबार साहिब दे आले दुआले वॉच टॉवर दा काम करदे सी, जिन्हां तों दूरों आउंदियां दुश्मन फौजां दी हर मूवमेंट उत्ते नज़र रखी जांदी सी। 5 जून दा दिन चढ़दे सार ही भारतीय फौज ने दरबार साहिब कंपलैक्स अंदर गोलाबारी होर तेज़ कर दित्ती, जिदे नाल उत्थे मौजूद सैकड़े गिनती विच संगतां शहीदियां प्राप्त कर गईयां। दूजे पासे खाड़कू सिंघां ने भी जवाब दे विच मूँह तोड़वीं फायरिंग की। कहा जाता है कि फौज नूं इह शक सी कि बहुत सारे खाड़कू सिंह अमृत सरोवर के अंदर लुके बैठे ने, इस करके फौज ने 15 तों 20 गोताखोर फौजियों नूं सरोवर विच भी उतारिया सी। शाम का समा सी, कमसान की जंग हो रही थी। जो फौज का कोई दापेच लगता नज़र नहीं सी आ रहा, तो फौज ने अकाल तख्त साहिब अंदर बैठे खाड़कुआ काबू करने के वास्ते घंटा घर वाले पास्यों कमांडोज नूं उतारिया। उन्होंने उत्ते पहलां तो ही गोलियां की वाछड़ हो गई। उन्होंने फेल हो जाने तो बाद फौज ने एक जहरीली गैस छड़नी शुरू की। CSG गैस कनस्तर, एक ऐदां दी गैस जिहड़ी नेड़े तेड़े दे लोकां नूं बेहोश कर दिंदी है। इहदी वरतों ब्रिटेन दी स्पैशल एयरफोर्स ने आयरलैंड दे इनकलाबियां दे विरुद्ध कीती सी। एक तरह नाल दूजे युद्ध वांग कैमिकल हथियारां दी वरतों होनी शुरू हो चुकी सी। फौजी मारां दे अनुसार किसी भी बार्डर उत्ते आमो सामने लड़ रहियां फौजां विचकार जम के गहगच लड़ाई 5-6 घंटे तो वध नहीं हुंदी, पर अकाल तख्त साहिब उत्ते यह लड़ाई 8-10 घंटियां तो लगातार चल रही सी। 5 जून की रात 11:55 के दरबार साहिब कंपलैक्स के अंदर एक बहुत तेज़ रोशनी हुई सी, जिदा प्रकाश बेहद तेज़ सी, क्योंकि इसे रात दिल्ली की हकूमत वालों अकाल तख्त साहिब नूं टैटेरी करवाउण वास्ते टैंक भेजे गए सन। पहला टैंक करीब 12 बजे दरबार साहिब कंपलैक्स के अंदर लंगर हाल वाले पास्यों परिक्रमा विच दाखल होया सी, ते नाल ही पौड़ियां तोड़ के फौज की एक बख्तरबंद गड्डी भी दाखिल हुई। लगभग 12:30 बजे करीब 13 टैंक ते 2 बख्तरबंद गड्डियां दरबार साहिब कंपलैक्स के अंदर दाखिल हो चुकियां सन। अंदर दाखल होंदे सार ही टैंक ने लगातार अकाल तख्त साहिब वाले पासे गोले वराने शुरू कर दिते। 5 जून की रात को गोलियां की आवाज़ टैंक के गोलियां की खतरनाक आवाज़ दे विच तब्दील हो गई। दरबार साहिब के उपरों असमान पूरा लाल दिखाई दे रहा सी। लगातार गहगच दोहां पासियां तो लड़ाई जारी सी। इसे रात ही हथियारबंद सिंघां दे कमांडर इन चीफ जनरल सुबेग सिंह भी शहादत का जाम पी गए सन। यह भी कहा जाता है कि
जदों दरबार साहिब उत्ते गोली चलनी शुरू हुई सी उस तों पहलां पिंडरां वाले संतां ने कोई दो बंदे लौंगोवाल कोल भेजे सी कि वह खालिस्तान का ऐलान करन, पर लौंगोवाल ने जेल विचों रिहा होण तों बाद यह बयान जारी किया कि कोई दो बंदे पहलां पिंडरां वाले संतां कोल गए सी कि वह खालिस्तान का ऐलान करन, पर उन्होंने उही दो बंदे लौंगोवाल दे कोल भेज दिते कि लौंगोवाल खालिस्तान का ऐलान करे। पत्रकार जसपाल सिंह सिद्धू जो कि एसोसिएटेड प्रेस एजेंसी के नाल काम भी कर चुके ने, उन्होंने इन्हां दोहां गल्लां नूं खारज करदिआं द ट्रिब्यून चंडीगढ़ ते द इलस्ट्रेटेड वीकली बॉम्बे दे हवाले नाल अपनी किताब विच दर्ज किया है कि ये दोनों बंदे ना तो पिंडरां वाले दे सन ते ना ही लौंगोवाल दे सन, असल दे विच ये भारत की रॉ एजेंसी के बंदिआं दा सरपंच सी। जून 84 की पत्रकारी अनुसार उस वेले फौज ने लाउड स्पीकर की वरतों करके वार वार ये दोहराया सी कि जो भी लोग अंदर ने जां फिर खाटू सिंह ने वह आत्म समर्पण करते हैं। बीबीसी स्टेशन उत्ते एक गल चल रही सी कि 170 जणियां ने आत्म समर्पण कर दिता सी, वह बाहर आ गए सन। जनरल के एस ब्राड के अनुसार कुछ 250 के करीब लोग जिन्होंने आत्म समर्पण कर दिता सी वह बाहर आ गए सन, तो हजे होर भी बहुत सारे लोग बाहर आना चाहते सन, पर ऑल इंडिया रेडियो वार वार यही गल दोहराई जा रहा सी कि अकाल तख्त साहिब अंदर बैठे अतवादियों ने दरबार साहिब वाल सेध लगा के गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां ने, उस नूं नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उस वेले दे लोकां दा कहना है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं फड़न वास्ते जिवें हज़ारां मुगल फौजां ने गुरदास नंगल की गढ़ी नूं घेरा पाया सी, उसे तरह भारतीय फौज ने पिंडरां वाले संतां नूं घेरा पाया है। फर्क बस इन्ना ही है कि उदों गुरदास नंगल की गढ़ी घेरी गई सी, पर हुण फौज ने पूरे पंजाब नूं ही घेरा पा लिया है। लैफ्टीनेंट जनरल के एस ब्राड जो कि हर मीटिंग विच ये कहिंदा सी कि वह कुछ कु घंटियां दे अंदर अंदर पिंडरां वाले नूं फड़ के लियावेगा, उहदे बोल सन कि जदों जंग दे अंदर टैंक दे गोले चलदे ने गोलियां चलदियां ने तां उहदे सामने वड्डे वड्डे जरनैलां दे पैर भी थिड़क जांदे ने, तां फिर पिंडरां वाला की चीज़ है। पर अज पंजवां दिन भी बीतण नूं सी कि पिंडरां वाले नूं उह फड़ नहीं सकिया। यह सी अज 5 जून 1984 का इतिहास जो सिंघा ने अकाल तख्त साहिब दी फसील उत्ते दोहराया। सो व्यूअर्स यह सी अज दी वीडियो, 5 जून का दिन है, हाय 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 हाय, 4 जून तो गोलाबारी शुरू हो गई है अमृत वेले, जिस टाइम सिख अपने हथियार साइड ते रख के ते इशनान करते हैं, अपनी इबादत करते हैं, वाहेगुरु अल्लाह अगे झुकते हैं, उस टाइम तो लैके 5 जून तक मुसलसल गोलाबारी की गई है। ये सोचना वै कि एड्डी लंबी लड़ाई गई क्यों है, वो जनरल सबैग सिंह की वजह तो गई है। अखीर 5 जून नू जनरल सबैग सिंह नू शहीद कर दिता गया, उन्होंने मतलब कि उन्होंने दरबार साहब के अंदर उन्होंने शहीद कर दिता गया। जनरल अपना सबैग सिंह तो पहले भी मतलब कि उत्थे जिहड़े जिन्नी संगत आई सी जिन्ने लोग सी उन्हां विच बच्चियां नू बीबियां नू वी कीता गया सी, सब तों ज़्यादा ओह ही होए सी, उहदे विच लोग संगत आई सी, संगत नू वी बड़ी बेदर्दी दे नाल कतल कीता, उन्हां नू शहीद कीता, कतल नहीं कीता उन्हां नू शहीद कीता। मैं एक ज्ञानी साहब दा मैं सुनन दिया सीगा, ज्ञानी साहब ने कहा वै कि ये चमकौर दी घड़ी ने अपने आप नू दोहराया वै, ਉਹੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਘੜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੈ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸਬੈਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਉਸੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ 'ਤੇ ਖਲੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੱਕ 'ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਹੱਕ 'ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਵੈ।
क्योंकि जेकर हक ते खलो के जान जाएगी ते ओ भी कामयाब है, अगर माल जाएगा ते माल भी कामयाब है, मतलब के हर चीज दी कामयाबी हक है। लास्ट ते आपां गल करांगे कि जनरल सबैग सिंह दी आपां एक स्पेशल वीडियो भी लेके आवांगे, तुसी साडी ओह वीडियो लाजमी देखो। फिर मैं पाकिस्तानियों नूं कहांगा कि साडी यकम जून तो लैके 6 जून तक जिन्नियां वीडियो है तुसी साडियां सारियां वेखो, ताकि सानू पाकिस्तानियों नूं भी पता चले कि 6 जून दे विच पंजाब दे विच होया की सी, वी किड्डी वड्डी खून दी होली खेली गई सी। सो दिस मेरी एक अपने दिल दी राय है, मेरे एक अपने जज्बात है, वी तुहाडा की ख्याल है, तुहाडी की राय है, तुसी थल्ले कमेंट बॉक्स विच लाजमी दसो। सो ए सी अज दी वीडियो, मिलांगे तुहानू अगली वीडियो वास्ते, 6 जून दी वीडियो वास्ते तुहानू मिलांगे। अल्लाह हाफिज़।